नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड राशि। जैसे कभी इससे पहले अपन एलसी बेस नंबर बड़ा बेस क्या होती है वो करके क्वेश्चन क्या थी। नेक्स्ट अपन और पॉइंट लेते हैं कि एंड राशि एंड राशि का होता है व्हिच रिएक्ट विद द एसिड एंड डिक्रीज द एसिड। ये एक प्रकार का ये सिम्प्टोमेटिक रिलीफ ऑफ द हार्ट बर्न पेन एंड स्पाइन देता है। और ये दो प्रकार का होता है सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। जैसा कि नाम सिस्टमिक मींस ये एंटासिड स्टोमक से एब्जॉर्ब होके और अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा। और अगर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम की पीएच को बढ़ाएगा तो क्या कॉज करेगा सिस्टमिक एल्कलोसिस। और अगर सिस्टम की पीएच अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है यूरिन की पीएच ज्यादा होती है यूरिनरी एल्कलोसिस भी करता है। और इसका एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। और इसी के साथ साथ दो इसका ड्रॉबैक है, एक तो है ये अल्सर का परफोरेशन कर सकता है लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो, और दूसरा रीबाउंड हाइपर एसिडिटी मीन्स आप अगर इसको एक बार यूज कर लेंगे सडन अगर विड्रॉ करते हैं तो एसिडिटी और ज्यादा हो सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन कई बार आता है कि विच वन इज सिस्टमिक एंटासिड और नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक में कौन सा है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को मीठा सोडा या बेकिंग सोडा जिसमें पूछा हुआ जैसे मैंने आपका था कि सिनोनिम भी कुछ आते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट को मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी। फिर अगर बात करेंगे नॉन सिस्टमिक एंटासिड बोले तो नॉन एब्जॉर्ब ये उनमें से एल्यूमिनियम कंटेनिंग होते हैं कैल्शियम कंटेनिंग और मैग्नीशियम। अब एसी में बैठ होगे तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा एल्यूमिनियम कंटेनिंग और कैल्शियम एसी में बैठ होगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। यदि एल्यूमिनियम कंटेनिंग और कैल्शियम कंटेनिंग जितने भी एंटासिड है सब के सब क्या पास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और मैग्नीशियम कंटेनिंग डायरिया पास करते हैं। और जब अपन फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो वो मेगा रेड और आता है जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन होता है वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बेटा ना डायरिया करेंगे वो जब अपन फार्माकोलॉजी लेंगे उसमें आएगा। तो अपन बात कर रहे थे एंटासिडिक क्लासिफिकेशन तो दो प्रकार का हो गया आपका सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। तो सिस्टमिक का एग्जांपल हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी। और अगर सिस्टमिक एंटासिड यूज करेंगे तो सिस्टम एल्कोलोसिस यूरिनरी एल्कोलोसिस अल्सर परफोरेशन हो सकता है और रीबाउंड हाइपर एसिडिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करें नॉन सिस्टमिक तो एल्यूमिनियम कंटेनिंग और कैल्शियम कंटेनिंग बोथ कॉज द कॉन्स्टिपेशन एंड मैग्नीशियम कंटेनिंग कॉज द डायरिया। बात करें कैल्शियम कार्बोनेट को प्रिसिपिटेट चार्ज पीछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी था और ये कैल्शियम कार्बोनेट उसका सिनोनिम भी आप और ये रिप्रेजेंट याद रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट को प्रिसिपिटेट चार्ज कहते हैं जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइम कहते हैं जो ब्रिटिश बनाते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए कंटेंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट। इन यूनिवर्सल एंटीडोट के अंदर तीन आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड टैनिक एसिड और चाक। आगे अपन पढ़ेंगे एंटीडोट उसमें और आएगा लेकिन ये भी याद रखना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रकार का एंटासिड है विच इज ऑल्सो ए कंटेंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को क्या बोलते हैं जिप्सम साल्ट। क्या बोलते हैं इप्सम साल्ट। और ये पूछा हुआ है मैग्नीशियम साल्ट होता है इप्सम साल्ट। इप्सम साल्ट बोलो या मैग्नीशियम साल्ट। और ये एंटीडोट तो अभी बेरियम और बारबिट्यूरेट वैसे बारबिट्यूरेट फुल सेल्यूलर प्रोटीन्स पढ़ेंगे वहां आएगी। बारबिट्यूरेट का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है फिर भी एंटीडोट रूप में काम करता है तो सिंपली मैग्नीशियम सल्फेट इसको इप्सम साल्ट भी कहते हैं। और ये बेरियम और बारबिट्यूरेट और नेक्स्ट आ गया सोडियम पोटेशियम ट्राइक्लोराइड जिसमें पढ़ा था तो इसे रोचा साल्ट भी कहते हैं और सिग्नेट साल्ट भी कहते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और साल्ट उसकी सिनोनिम और यूज क्या है इसका नेक्स्ट आगे आप लेते हैं।